मुरादाबाद के डिलारी बिलाक सभागार में राजेश कुमार अग्रवाल ने कार्यक्रम के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा करते हुए बताया कि इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनकी स्मृति में अमृत सरोवर के निकट ग्राम पंचायतों में शिला फलकम स्थापित किए जा रहे हैं। यह जानकारी कुछ समय पूर्व नई दिल्ली में सूचना प्रसारण एवं दूरसंचार विभाग के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा द्वारा आयोजित एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में साझा की गई। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री अपूर्व चंद्रा ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम होगा। सर, आज यो मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम किया गया है, किन किन ग्राम पंचायतों में अब तक किया गया है? ऐसे है कि सरकार के द्वारा पहले से ही इसका जो है निर्धारित कार्यक्रम निकाला हुआ था, समय भी निकाला हुआ था और तारीख भी निकाली गई थी। तो ये शुरू से ही चल रहा है, गांव-गांव में मेरा माटी मेरा देश के अंतर्गत कलश यात्रा निकाली जाती है। उस कलश में जो है घर घर से मिट्टी लेनी थी और आज उसका जो है कलश यात्रा निकालते हुए विकासखंड कार्यालय पर कलश को लाना था। तो सभी ग्राम पंचायतों में न्याय पंचायत वार गाड़ियों का प्रबंध किया गया है। उन गाड़ियों पर माइक वगैरह लगाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत से जो गांव के कलश रखे गए थे उन कलशों को ब्लॉक विकासखंड कार्यालय पर लाया जा रहा है, जिसको हमने एक हॉल में संग्रहित कर अच्छी तरीके से रख दिया गया है।